फील होता है आपको? अच्छा फील होता है। ओ सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार है नमस्ते, मेरा नाम है निधि नेगी और आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। नए दिन के साथ नहीं, सुबह के साथ। अभी ना सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है, झाड़ू वगैरह मैंने सब कुछ मार दिया है। अब मेरा सिर्फ खाना बनाना रह रहा है। खाने के लिए मैंने फूल वाली गोभी होती है ना उसको थोड़ा बॉयल करके रख दिया और आलू भी काट कूट के रख दिए हैं। अब मैं सिर्फ सब्जी बनाऊंगी, आटा भी गूंद के रख दिया, रोटी बनाऊंगी। फिलहाल इनको मैंने दुकान भेजा है, इनके बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं धोने के लिए और यहाँ सर्फ खत्म हो गया था तो मैंने इनको सर्फ लेने के लिए भेजा है। तब तक मैं सब्जी बना देती हूँ। अभी मैंने गोभी और आलू धो धा के कट कुट करके बॉयल करके रख दिए हैं ताकि मुझे बनाने में भी आसानी हो। और ये वाले आलू ना हैं तो घर के पर पक नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो उनके अंदर पानी पानी सा है और पक ही नहीं रहे हैं। गोभी को मैंने थोड़ा बॉयल करके रख दिया है तो थोड़े काले काले से हो रहे थे ना, अब ये साफ़ हो गए हैं। और ये आलू भी मैंने बॉयल करके रख दिया, नहीं तो ये आलू पक ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। प्याज भी काट दिया, अब बनाती हूँ मैं खाना। मैंने तेल और हींग डाल दिया, अब मैं डालूंगी प्याज। दुकान वाले भी आ चुके हैं सामान लेके। सर्फ एक्सल वो मिली के फेना ही लेना, बोल फेना नहीं मंगाया था मैंने, सर्फ एक्सल मंगाया था। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और थोड़ा मसाले भी पकने दूंगी, जब तक इससे ऑयल सेफ्टी से हो जाए तब डालूंगी मैं इसमें सब्जी। इससे बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। और गोभी कुछ तो पक ही रखा है पर इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के 4-5 मिनट पकने दूंगी और अपने हिसाब से थोड़ा ग्रेवी बना के तब बनेगी ये अच्छी सी सब्जी। गूंद लिया है मैंने और सब्जी को मैं इस वाले गैस में रख दूंगी, यहाँ पे रोटी बना लूंगी, अभी देर भी हो रही थोड़ा।
आज हमको अब इसमें दिवाली की मिठाई भी मिल गई। इसमें पता नहीं है क्या मिठाई में, पर अभी भी हमारे सर ने हमको ये मिठाई। आज में है आलू गोभी की सब्जी, थोड़ा सा बटर और रोटी। तो चलो लंच करते हैं गाइस। अरे यार इनकी बातें पे आ रही भैया हंसी। मैं आपको ना अब ये डब्बा खोल के दिखाती हूँ, इसमें बजरा है, मुझे लग रहा है इसमें मिठाई है, तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। भूख भी लग गई, क्या पता मिठाई मिठाई होगी तो खा लेते हैं। ऐसा बजरा ना ये पता नहीं है क्या, खोल के देखते हैं। मैं इनसे खुलाती हूँ, ठीक है? पहले मैं इनको पूछती हूँ। तुम खोलो ना मेरा गिफ्ट, यहाँ पे खोलो ना, यहाँ पे अच्छा आ रहा व्यू। अच्छा अभी हाथ पहुंचने जा रहा हूँ मैं, आते हैं अभी। मुझे तो पूरा कंफर्म है इसमें मिठाई है, क्योंकि पिछले साल भी एक मिठाई का, इस साल तो जरा ठीक लग रहा है। पिछले साल तो एक छोटा सोन पापड़ी का डब्बा मिला। हेलो कम हियर। मैं तब तक चाकू चाकू निकाल के रखती हूँ, मुकलेगी ना। इसमें पता नहीं है क्या ना, पहले मुझे इधर देख के एक बात तो बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है कि मैं मिठाई का डब्बा लाई? मेरी वाइफ ऑफिस से ऐसी ऐसी चीजें लाती है जिसको गिफ्ट मिलते हैं, आप कैसा फील होता है आपको? अच्छा फील होता है। ओह माय गॉड, ये तो ड्राई फ्रूट्स हैं। अरे रुको। तो ये मिला हमको ऑफिस से ड्राई फ्रूट्स का डब्बा, इसमें अखरोट, बादाम, पिस्ता, मेरा फेवरेट तो यही है। हाँ गुड़ा, दिमाग खराब है। ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, मैंने तो ये पहली बार देखा। ये क्या है? अरे यो 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 सब खेल है। पिछली बार तो हमको सोन पापड़ी मिली थी, इस बार इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। एक दो तो हमने चख भी लिए, और मेरा फेवरेट है पिस्ता। तो दिस इज वन। अभी ना हमने थोड़ी देर बैठने के बाद, अब इनको लग गई भूख, मेरे को भी लगी गई थी, तो मैं बनाऊंगी मैगी। एक मैगी पड़ी थी ना कमरे पे, तो मैंने यहाँ पर मैगी रख दी, पर प्याज टमाटर वाली नहीं, सिर्फ बनाएंगे हम कौन सी पानी वाली मैगी। ये भी कभी 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 क्यों, हमको ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। इनको तो प्याज टमाटर वाली लगती है, पर मेरे को ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए रख दी है मैगी, अपने मतलब दोनों के लिए। रही हमारी मैगी पानी वाली। आज लड़ियां भी लग गई फाइनल। क्यों? आपको बहुत कम दिखती होंगी अब ये किचन में। गौचर में ये इतना खाना बनाती थी मेरे लिए, मैं ऑफिस से आती थी, अब ये बहुत कम बनाती, इनका मन ही नहीं करता। आपको मन नहीं करता खाना बनाने का? बस मच्छर, ए बाबा ये मच्छर के ऐसे जान ले लेते हैं ना, कमरे में एक मच्छर नहीं घुसने देते हैं। और मेरी बला तो 100 मच्छर भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इनको एक मच्छर नहीं चाहिए कमरे में। हेलो गाइस, और ये ऐसा है ना, ये कभी कभी ब्लॉग में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। आप क्यों नहीं बोलते एक भी शब्द? अब अभी नहीं बोल के उनमें पूर पच कल मुस्करा छोड़ा। ओके गाइस।